कहाँ लेके जा रही हो आज हमें तो अपने व्लॉग में? Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my another vlog. So आज के vlog में हम जा रहे हैं रमजान की groceries करने. So आज हम कहाँ जा रहे हैं आज groceries करने? हम जा रहे हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स से कारफोर, जो कि मॉल ऑफ एमिरेट्स दुबई का वन ऑफ द बिजिएस्ट मॉल है. और लेट्स सी हाउ इट गोज. सो आज सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग नहीं हो रही, बल्कि आज जो है वो ग्रोसरी चैलेंज है मेरे और हस्बैंड के दरमियान कि कौन जो है वो 10 मिनट में सबसे ज्यादा जो है वो ग्रोसरी रमजान से रिलेटेड जो ग्रोसरी आइटम्स है वो कलेक्ट करता है. तो जल्दी से चलते हैं अब मॉल ऑफ एमिरेट्स और आपसे हम वहीं मिलेंगे और आज देखते हैं कौन ये चैलेंज जीता है, क्योंकि जो चैलेंज जीतेगा उसके लिए जो प्राइज है वो आपको एंड में बताएंगे वीडियो में. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. अपनी मर्सिडीज में बैठ गई है और हम लोग मॉल पहुंच गए हैं. बस अब जा रहे हैं मॉल के अंदर. जी तो हम लोग आ गए हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स और अब जा रहे हैं कारफोर. और बहुत लंबा चल रहा है, चल चल के टांगे टूट जाती है. दुबई का हर मॉल ऐसा ही है कि आप आएंगे, आप चलें और आप घर जाके अपने पाँव दबाते रहें. तो जल्दी से चलते हैं कारफोर, क्योंकि वहाँ अभी भी बहुत लंबा चल रहा है और चैलेंज भी आज जो है देखते हैं कौन जीतने वाला है. We'll be right back.
कारपोर पहुंच गए हैं और हमने ट्रॉलीज ले ली हैं। अब जो है वो चैलेंज स्टार्ट होता है। तो इसमें तैयार है आप आज के चैलेंज के लिए? हारने के लिए तैयार हो? मैं जीतूंगी, आप बेफिक्र रहें। हो जाए मुकाबला, हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं 10 मिनट चैलेंज और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ग्रोसरी आइटम लाएगा रमजान से रिलेटेड। तो मुझे जो है वो मुझके साथ इसने गुल ने तो लगा दिया है और वो खुद तो शॉपिंग करने चली गई है। तो देखा जाए तो मैं तो जीत गया हूँ मुश्किल गुल से। जल्दी से बाकी सारी चीजें लेनी है। बेसन 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 कहाँ मिलेगा? बेसन और चीनी यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे आटा और चीनी शायद मिल जाएगी, यहीं पर ही मिलता है। के लिए आटा लेना है और चीनी ले लेते हैं। तो आटा 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 बहुत बड़ा है ये वाला पैकेट, ये वाला ले लेते हैं। और चीनी चीनी आइसिंग शुगर है, नॉर्मल शुगर, डेरी वाइट शुगर। सो ये आ गई हमारी वाइट शुगर। मेरा टाइम खत्म होने वाला है, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रश है तो मैं ज्यादा तेज ट्रॉली नहीं चला पा रही। एक्सक्यूज मी, और अभी तक ग्रोअफ्जा भी नहीं मिला है, पता नहीं ग्रोअफ्जा भी कहाँ पर होगा। मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल पा रहा, पता नहीं कहाँ है। अभी मैं जल्दी से कोई भी जूस ले लेती हूँ, जल्दी से कोई जूस रखते हैं। और यहाँ पे ये कौन सा जूस है? ओह ये रोबजा, रोबजा मिल गया फाइनली, रोबजा ले लेते हैं। और Thank you.
एंड पाइनएप्पल 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 ये रहा टैंग पाइनएप्पल तो एक टैंग बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा, तो जल्दी से बाकी चीजें ले लेते हैं क्योंकि अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और वापस जल्दी से जाना है जहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट है। जी तो टाइम हो गया है पूरा, 10 मिनट पूरे हो गए हैं और इस पर भी ये रहे और इस पर की ट्रॉली ये रही जो कि खासी भरी लग रही है। अब देखते हैं कि रमजान के अकॉर्डिंग कितनी चीजें हैं। पहले इस पर करेंगे मेरी ट्रॉली की इंस्पेक्शन के कितने आइटम्स उसमें रमजान से रिलेटेड हैं और कितने नहीं। तो चले इस पर स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 ये तो नॉर्मल यूज किया है और नहीं तो ये चीनी रमजान में तेल भी नॉर्मल यूज के लिए होता है तो चीनी और तेल भी तो रमजान में यूज होगा और आटा भी आमतौर पे घरों के लिए यूज होता है। नहीं तो रमजान में पराठे किससे खाएंगे आप? पराठे नहीं खा रहे? पराठे घर में रोटी भी तो बनाते हैं, क्या बात है? नहीं तो ये रिलेटेड है भाई, सिर्फ आपके सिर्फ ये आइटम्स है जो कि नहीं और यहाँ ऊपर भी है, ऊपर भी है कुछ, ऊपर भी है ये वाले भी है। ये क्या चीज है? केचप। ये केचप है? केचप भी नॉर्मल यूज के लिए होता है। मस्टर्ड भी इसमें नॉर्मल यूज के लिए होता है। ये बहुत अनफेयर हो रहा है मेरे साथ। सिर्फ ये इसको काउंट कर सकते हैं हम जो डेट्स जो लिए बोलने, ये बहुत अनफेयर अनफेयर जज है इस पर, बहुत बड़ी बात है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। अब बाबा आपकी ट्रॉली देखते हैं। डेट्स 2 मरतबा क्यों लिए? ज्यादा भरने के लिए नहीं तो यार ये भी सारी चीजें रमजान वाली कैचअप से रख दी। अब आपको रमजान में कैचअप नहीं मिलेगा और आप बगैर तेल के पकौड़े खाएंगे और बगैर आटे खाने में भी यूज होता है ना, नहीं आप बगैर आटे के पराठे भी खाएंगे। तो बस्तर की ट्रॉली में तो देखते हैं कि वो क्या क्या लाए क्योंकि उन्होंने मेरी ट्रॉली में जो सारे सामान ज्यादातर सामान जो है वो अनफेयर किया और अलग कर दिए। तो मैं देखती हूँ बस्तर ने ऐसे क्या लिए। अंडे हम नॉर्मल नहीं खाते, नहीं और अंडे हमारे घर में सिर्फ रमजान खाए जाते हैं तो ये क्या है अंडे यहाँ? अंडे देखो रोज खाए जाते हैं शहरी में, तो पराठे भी खाए जाएंगे। और ये क्या है? ये क्या है? मक्खन है? ये लबने। हा? लबने लबने क्या है? मुझे तो कुछ नहीं पता। लबने ये होता है अरेबिक पनीर। ओ चले ये काम कर लेते हैं। ओ क्रीम चीज और क्या? ये तो बहुत रमजान में खाया जाता है। ये तो चीज ये क्राफ्ट है, ये चीज क्राफ्ट है। ओ चीज क्राफ्ट, ओके। कितनी चीज लेंगे क्या पूरे रमजान आप? ये अलग अलग किस्म की चीज है, ये अलग अलग किस्म। अफतारी की अलग है, सहरी की अलग है। मैंने भी अफतारी की अलग थी, सहरी की। और क्या खाएंगे? कितने डाल के आटा तो आपने निकलवा दिया बाहर, वो चीज आप खाने के। थाली थाली खा सकता हूँ मैं। और ये चीज तो ये 2 पैकेट चीज के हो गए। और अच्छा ये जूस भी लिया है, ये किसका है? गुआवा का। चले बहुत ज्यादा आइटम हो गए। कौन खाता है रमजान में? ये क्या है? कौन खाता है? चलो हाँ तुम इसको रख सकती हो, अलग भी अलग हो गए। और खजूरें भी है, सही करेंगे। केले नॉर्मल यूज में नहीं खाते आप? केले का शेक बनता है रमजान में, पराठे भी बनेंगे वो भी रखा जाएगा। ये आ गए केले, ये दूध और ये फ्रूट भी लिए अपने। ये मैगी, मैगी कौन खाते है रमजान? मैगी रमजान मैं खाता हूँ। तो आप खाते? आप नहीं खाने से नहीं थी क्रॉसी। कितने आइटम है? 7, 8, 9, 10 तो यहाँ जीत गए हैं अस्पर और मुश। मुश आप टीम जीत गए, आपकी टीम बाबा के साथ आप जीत गए। तो
तो टोटल आइटम जसपर ने कलेक्ट किए थे वो थे 10, लेकिन उन्होंने बहुत चीटिंग की मेरे साथ, बहुत अनफेयर है। उन्होंने मेरा आटा निकाल दिया, तेल निकाल दिया, बिस्किट और आटे में बहुत फर्क होता है। अब रमजान में आपको बिस्किट खाने को मिलेंगे, अंडे जो है वो रोज खाने पड़ते हैं रमजान में। खाएंगे किससे? आटे के पराठे के बगैर खाएंगे। तो क्योंकि अस पर मुझ की टीम जीती है तो अब बारी है उन्हें इनाम देने की। तो अस पर आप दोनों का ये रहा इनाम। मुझ भी कुछ है मुझ, मुझ, आपका प्लीज। तो गाइस ये था हमारा दूसरी चैलेंज व्लॉग। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।